हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक सेंटर। तो आज का वीडियो में कुछ धमाल होने वाला है, ठीक है। अभी मॉडल्स के बारे में आपको बता रहा, जिसमें से इससे पहले मैंने पार्ट वन पार्ट टू बना दिया था। पार्ट वन में कैन का यूज बताया था और पार्ट टू में मे का यूज बताया था। आज कैन का पास्ट कोड पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख ला, अगर एक बार देखने के बाद नहीं समझ आएगा दोस्तों तो वीडियो डिलीट करने का मैं वादा लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि सारे यूजेस मैंने आपको एक जगह से बताने का प्रयास किया, जितना सारे यूज हो सकता है मैक्सिमम मैंने सारे यूज ले लिया हूँ, ठीक है। और आपको बेसिक तरीका से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, इस चैनल बना है ना दोस्तों, स्पेशल आपके लिए बना है। इसमें से हम आपको स्पोकन इंग्लिश का अलग से करवा रहे हैं कि आप इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे, उसके लिए कौन सा आपको इंग्लिश ग्रामर को जानना जरूरी है। और इधर हमें एडवांस लेवल का कर रहे हैं, जैसे कंजक्शन हो गया, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, वो भी बेसिक तरीके से, ठीक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और आप क्या करें दोस्तों, अपने जो भी आपके दोस्त हैं अगल बगल जिनको जरूरत है उनको आप पहुंचाइए उसके यहाँ तक, ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करें, इसको लाइक करते रहे दोस्तों और कॉमेंट करना ना भूले। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट जरूर करें, ठीक है। तो देखिये, यूज ऑफ कोड, इसका हिंदी होता सकता था सकती था, बट मैं बार बार बोलता हूँ कि मॉडल्स का पहचान पर आप मत जाइए। पहचान यहाँ पे सकता था सकती है, लेकिन कोड का यूज और कहीं कहीं होता है, ठीक है। एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, जब एबिलिटी का बात किया जाए, पावर का बात किया जाए, कैपेसिटी यानी योग्यता, शक्ति, क्षमता, तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, कोड का यूज करेंगे। अभी पहला पढ़ रहे, ठीक है। इसका प्रयोग पास्ट की योग्यता, शक्ति, क्षमता बताने के लिए किया जाता है। देखिए, कैन जो प्रेजेंट था, लेकिन ये पास्ट है, कैन का ये पास्ट है कोड। तो कैन में भी पढ़े थे एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, लेकिन ये इसका पास्ट के था में होगा, यानी कि पास्ट के बारे में बताएगा। स्ट्रक्चर वही रहेगा, सब्जेक्ट कोड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल, जैसे मैं तेज दौड़ सकता था, जैसे कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब यहाँ पे अगर हम कैन का बात करें तो वहां पे क्या था कि मैं तेज दौड़ सकता हूँ, यानी कैन लगाएंगे तभी। अब बात रहेगा कि मैं तेज दौड़ सकता था, क्योंकि पास्ट का बात कर रहा था, यही कोड रन फास्ट लगाएंगे, ठीक है। जब मैं छोटा था मैं तेज दौड़ सकता था, एक कब का बात किया जा रहा है दोस्तों, पहले का बात किया जा रहा है कि जब मैं छोटा था तेज दौड़ सकता था, मतलब पास्ट के अपील, पास्ट की जो अपना ये है ना पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, पास्ट के बारे में बताया ना, तो हम लोग कोड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी बता रहे हैं, पावर जो बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था ना मैं दौड़ सकता था, ये ऐसा बता रहे, ठीक है। तो मतलब पास्ट के बारे में बता रहे हैं, पीछे वाले दिन के बारे में, तो यहाँ पे कोड लगाएंगे, ठीक है। तो जब मैं छोटा था, पहले आप इसको बना लीजिए, तो व्हेन आई वाज यंग, तो यहां तक मॉडल्स है, ठीक है। तो मैं तेज दौड़ सकता था, तो आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। तो ये हो गया दोस्तों पहला यूजेस इसका, ठीक है। बात करते हैं दूसरा यूजेस इसका क्या है, तो देख लेते इसका दूसरा यूज क्या। देखिए, प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी, जब प्रेजेंट का पॉसिबिलिटी या फ्यूचर का पॉसिबिलिटी बताए ना, तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कुड का। जैसे अभी या बाद की संभावना, अभी की संभावना के बारे में बताया जाए, या तो फिर बाद की संभावना के बारे में, तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कुड का। जैसे देखिए, सब्जेक्ट कुड वी वन वाला सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर है, आज दोपहर बारिश हो सकती है। तो देखिए, आज दोपहर बारिश हो सकती है, तो आप यहाँ पे बताइए कि आज दोपहर बारिश हो सकती है, हमने क्या किया, फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा सोचा, अभी तो मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, और थोड़ा कुछ समय के बाद के बारे में मैंने सोचा कि आज दोपहर बारिश हो सकती है, तो इट लगाएंगे, क्योंकि समय के लिए हम लोग इट लगाते हैं। तो इट कुड रन दिस आफ्टरनून, यानी कि आज जो है ना दोपहर बारिश हो सकती है, ठीक है। वह घर पर हो सकता है, या तो फिर वह घर पर होगा, बात ही की वह घर पर हो सकता है, या तो फिर वह घर पर होगा। तो ही कुड होना का होता है बी, होना क्या होता है दोस्तों, बी होता है, और एट होम यानी कि वह घर पर होगा, ही कुड बी एट होम, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए, काम कर सकता था लेकिन किया नहीं, जब ऐसा बात हो कि पहले मैं काम कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया, तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, कुड का। जैसे देखिए, सब्जेक्ट कुड हैव प्लस थ्री प्लस सब्जेक्ट, जैसे तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या छुपा हुआ कि उसने बोला नहीं, ठीक है। यहाँ पे छुपा क्या दोस्तों कि तुम अंग्रेजी बोल सकते थे लेकिन बोले नहीं, यही ना सेंस छुपा हुआ, तो बोलना चाहा था लेकिन बोला नहीं। तो यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यहाँ भीतरी लगा रहा है, ठीक है। आप नौकरी कर सकते थे लेकिन किया नहीं ना, तो यू कुड हैव डन जॉब, तुम उसे पीट सकते थे, यू कुड हैव बीन हैव बिटन हिम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हैव लगाया फिर भीतरी, ठीक है। तो तुम उसे पीट सकते थे, यू कुड हैव इटन, सॉरी बिटन हिम, ठीक है। तो यहां से था ये दोस्तों इसका तीसरा यूज। अब चलते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसका नेक्स्ट, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट, जब नर्म रिक्वेस्ट हो ना,
जब नर्म रिक्वेस्ट हो तो हम लोग किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे दोस्तों, कुड का। जैसे कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर जैसे देखिए, कृपया। ये पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब बहुत ही साधारण रूप से, बहुत ही सिंपल तरीका से, ऊंचा आवाज में नहीं बल्कि सिंपल तरीका से किसी से जब रिक्वेस्ट करना है ना तो हम कुड लगाएंगे। जैसे कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कुड यू हेल्प मी प्लीज। क्या आप कृपया क्या आप मुझे एक कलम दे सकते हैं, ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज। ठीक है, तो ये हमने देख लिया क्या था मॉडल्स का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब किसी को क्या करना हो, सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, तो भी आप कुड का यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट कुड वी1 ऑब्जेक्ट लगाकर। ठीक है, जैसे आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई लड़का मेरे पास आया हुआ है, तो हम उसको सजेशन ये देंगे कि देखिए रात हो गया, चाहे तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, बट आपका मर्जी। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो जैसे आज आप आज रात यहाँ रुक सकते हैं, ठीक है, तो यू कुड स्टे हेयर टुनाइट, कि आज रात आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप मेरे साथ खेल सकते हैं। अब सकते हैं आपको लगता हो कि पास्ट में नहीं प्रेजेंट में, तो क्या लगना चाहिए, बट आपको मैं पहले बता दिया, इसके आप पहचान पर मत जाइए। ठीक है, इसका सेंस पर देखिए कहाँ पे क्या सजेशन के लिए हम लोग क्या नहीं कुड लगाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ खेल सकते हैं, जैसे कि अगर वो डर रहे ना खेलने के लिए, तो उसको हम सजेशन दे सकते हैं कि आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, तो यू कुड प्ले विथ मी, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं, खेल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं दोस्तों, फास्ट फास्ट चलना, छोटी कमाल बड़ी धमाल। ठीक है, ये करना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए इसका, नहीं कर सका या पाया का अर्थ में भी हम लोग कुड लगाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट कुड वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, या तो सब्जेक्ट कुड नॉट वी1 ऑब्जेक्ट, इसका नेगेटिव। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हो सका, तो आई कुड नॉट बिकम अ डॉक्टर। मैं आपसे नहीं मिल सका, आई कुड नॉट मीट यू। ये बहुत ईजी तरीका था। ठीक है, तो जब ये सका या पाया का अर्थ में रहे तो ऐसा यूज करना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखिए विश काश, जब भी काश का बात किया जाए ना, तो आपको क्या लगाना, कुड लगाना। जैसे देखिए, काश वह यहाँ आ सकता या तो फिर आ सके, काश वह यहाँ आ सकता या तो फिर काश वह यहाँ आ सके। तो जब भी काश बोलना तो आई विश लगाना, हमेशा सब्जेक्ट देखिए, आई विश सब्जेक्ट कुड वी1 ऑब्जेक्ट, आई विश वह कहीं, कुड लगाना कम है। ठीक है, तो काश वह यहाँ आ सकता है या सकता था या सके। ठीक है, आई विश ही कुड कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, काश तुम मेरे विचार को समझ पाते या सकते। ठीक है, तो ऐसा भी बोलते हैं कि काश तुम मेरे विचार को समझ पाते, तो आई विश हमेशा तुम के लिए, यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग, क्या करते तुम मेरे जो विचार है उसको तुम समझ पाते, आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट यूज की ओर। अगर आपके पास कुछ ऐसे देखने को मिल जाए ना, वही स्ट्रक्चर बट थोड़ा सा डिफरेंट है, सब्जेक्ट कुड बी ऑब्जेक्ट, जब बी मतलब होता होना, जब होने की बात है ना तो बी लगाते हैं। जैसे काश मैं तुम्हारा दोस्त होता, होता मतलब होना है ना, तो आई बी लगाएंगे, आई कुड बी योर फ्रेंड, सिर्फ बी लगाना पड़े जब होने की बात आ जाए तो। ठीक है, जब वर्ब यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे जो काम कर रहा हो, कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है ना, बी लगाएंगे। ठीक है, काश मैं एक शिक्षक होता तो आई बी हमेशा लगाना, आई कुड बी अ टीचर। अब यहाँ पे बी है, यहाँ पे जब कोई चीज होता है ना तो बी लगाते, और जब मेरे पास कुछ होता है तो हैव लगाते। जैसे इस प्रकार से सब्जेक्ट कुड हैव ऑब्जेक्ट, जैसे काश मेरे पास पैसा होता, मेरे पास होने का बात करें ना, तो आई विश हमेशा लगाएंगे, आई कुड, अब हैव लगाएंगे मनी। ठीक है, काश आपके पास गाड़ी होता, आई विश यू कुड हैव अ कार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले से लिख के रखा था, मैंने आपको फास्ट समझा दिया, छोटी वीडियो कमा बड़ा धमाल किया। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आने वाला पार्ट में हम देखिए दोस्तों, इसका भी नोट्स बना चुका हूं मैं, मैट का, इसका भी मैं पढ़ने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, दोस्तों में शेयर करे, कॉमेंट ना करना भूले दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।